हेलो एवरी वन सो एज वी ऑल नो वी आर स्टडींग एच टी एम एल एच टी एम एल टैग सो द टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज लाइन ब्रेक और ब्रेक टैग ओके नाउ इन ऑर्डर टू बिगिन अ न्यू लाइन और इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू लाइन इन योर एच डी एम एल पेज वेब पेज वी यूज द ब्रेक टैग ओके मतलब अगर मुझे लाइन चेंज करना है मैंने काफी बड़ा पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर बीच में मुझे ब्रेक्स देने हैं या लाइन चेंज करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बी आर टैग यूज करेंगे विच इज कॉल्ड द ब्रेक टैग और लाइन ब्रेक ओके नाउ इट इज एन एम टी टैग मतलब इसका स्टार्टिंग टैग होता है एंडिंग टैग नहीं होता या ये कह सकते हैं ऑन टैग होता है ऑफ टैग नहीं होता दूसरी बात ये कि इट हैज नो एट्रीब्यूट्स उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते ओके okay. एट्रीब्यूट हमको मालूम है क्या होते हैं टैग्स के अंदर अपन एट्रीब्यूट देते हैं ताकि हम उनको और ज्यादा फीचर्स दे पाए राइट डाउ एज वी कैन सी अवर एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन आई एम हैविंग थ्री लाइन्स रिटर्न ओके पहली लाइन आएगी हेलो वर्ल्ड उसके बाद लिखा हुआ है आई एम लर्निंग एच उसके बाद लिखा है लेट्स लर्न मोर अबाउट एच टी एम एल टैग्स नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी हुई हैं ओके okay, ये सारा जो कंटेंट है वो एक साथ लिखा हुआ है लेकिन जैसे ही हम इस पेज को रन करेंगे तो ये लाइन अलग अलग लाइन में आएगा कैसे सबसे पहले आएगा हेलो वर्ल्ड फिर उसमें एक लाइन का स्पेस आएगा उसके बाद आएगा आई एम लर्निंग एच टी एम एल एंड देन अगेन कुछ स्पेस आएगा उसके बाद लिखा आएगा लर्न लेट्स लर्न मोर अबाउट एच टी एम एल टैग्स ओके ये क्यों आएगा बिकॉज हमने बी आर टैग का यूज किया है मतलब हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हमने ब्रेक दिया है और इस ब्रेक का मतलब है कि एक लाइन चेंज हो जाए यानी कि ये आई एम लर्निंग एच टी एमएल जो है वो न्यू लाइन से आए ओके सेम वे लेट्स लर्न मोर अबाउट टैग्स इन एच टी एम एल ये अगेन दो लाइन का ब्रेक आना चाहिए मतलब एटलीस्ट टू लाइन का ब्रेक आए क्योंकि दो बार ब्रेक दिया उसके बाद लिखा हुआ आएगा लेट्स लर्न मोर अबाउट एच डी एम एल टैक्स ओके यहाँ स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि हमने कोई ब्रेक नहीं दिया कोई लाइन चेंज नहीं किया है लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो वह लाइन चेंज हो जाएगी राइट चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ओके नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव रिटर्न द सेम कोड इन अवर नोट पैड ओके सेम कोड मैंने लिख दिया है अब इसको सेव करते हैं अब अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा या आपको लर्न हो गया होगा कि सिंपली इसको सेव किया जाता है बाई गिविंग एनी नेम ओके तो मैं लाइन ब्रेक नेम देती हूं लाइन ब्रेक डॉट एच टी एम एल यहां से ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं चलिए जैसा कोड आप देख पा रहे हो है ना एक ही लाइन में पूरा कोड अपन ने लिखा है और यहाँ पे ब्रेक टैग्स दिए हुए हैं चलिए इसको रन करके देखते हैं लाइन ब्रेक ओके नाउ एज यू कैन सी ये फर्स्ट लाइन हमारा हेलो वर्ल्ड इसके बाद अपन ने एक ब्रेक दिया था तो ये सेकेंड लाइन में आया आई एम लर्निंग एच टी एमएल ओके यहां से लाइन चेंज हो गया है फिर आई एम लर्निंग एच टी एमएल के बाद अपन ने दो ब्रेक्स दिए थे टू बी आर टैग्स का यूज किया था तो देखिए दो लाइन का डिफरेंस आया जब एक लाइन का डिफरेंस आया है तो सीधे ये नेक्स्ट लाइन में आया अब यहां पर ना आकर के ये लाइन यहां आइए लेट्स लर्न मोर अबाउट टैग्स मतलब दो लाइन का ब्रेक आया है इसके अंदर दो चेंज हो गए हैं सो आई होप ये प्रैक्टिकल देख के आपको बी आर टैग समझ में आ गया